हेलो गाइस, क्या हाल है? जस्ट वॉन्टेड टू गेट योर अटेंशन, डोंट वरी, कुछ खबर नहीं सुना रहा हूँ. 500 रुपए वैलिड है अभी भी. लाइक दैट्स द मैजिक वर्ड, राइट? मित्रो, लाइक वो वर्ड आने के बाद से इट इज लाइक टू गेन पीपल्स अटेंशन. लाइक पहले मुझे कभी भाव नहीं मिलता था, मेरी जिंदगी एकदम रुखी सुखी बेजान थी. फिर डिमोनेटाइजेशन आया एंड मुझे सब भाव देने लग गए. इट्स लाइक आई यूज इट विद माय वाइफ, राइट? व्हेन लाइक वो तो भाव देती, इसकी भी वाइफ इसको भाव तो देती ही. तो इट इज लाइक बेबी सुनो ना, बेबी सुनो मित्रो, 2000 का नोट है मेरे. सो इट इज लाइक दैट, द मैजिक वर्ड. सो हाय, दिस इज कौस्तुभ पडवल एंड आई एम फ्रॉम मुंबई. लाइक फॉर पीपल आउटसाइड मुंबई, आई एम फ्रॉम मुंबई. People who stay in Mumbai, who know me, will actually hit me if I say I'm from Mumbai, because I have been brought up in this amazing place called Kalwa. नाम में कितना मजाक है, जिंदगी में मजाक बन चुकी थी वहाँ पे. So लाइक कलवा का प्रॉब्लम क्या है ना, मेन प्रॉब्लम, गोइंग अप इन कलवा वाज अमेजिंग क्योंकि टाइम बहुत मिलता था लोगों के साथ बात करने को, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं आती थी यार. सो ग्रोइंग अप इन कलवा वाज ग्रेट. तुम लोगों के लिए शायद कैंडल लाइट डिनर्स वुड बी रोमांटिक, दे आर सपोज टू बी रोमांटिक, मेरे लिए दे आर नॉस्टैल्जिक. बहुत यादें भरी है उसमें, बहुत यादें. लाइक क्या अमेजिंग कैंडल लाइट डिनर होता था, सामने दादी बैठी है. अमेजिंग, एक चपाती तुम एक चपाती मैं. Amazing, like कलवा में growing up, candlelight dinners, उसकी आदत हो गई. मुझे तो अब भी खौफ होता है उसी दिनों का कि मैं जब वाइफ के साथ जाता हूँ candlelight dinners पे, तो मेरे को वही सारे दिन याद आ जाते. So yeah, growing up in Kalwa was great. There was this problem in Kalwa called as like वहाँ पे वो टाइम पे ना MSCB ने एक स्कीम निकाला था. You can call it a scheme because it was called as load shedding. Load shedding, literally shed the load. मतलब उसमें क्या होता था ना, दिन में फिक्स टाइम पे ना लाइट वो लोग ऑफ कर देते थे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ. एंड उसका उनको लगता था कि ऐसा करके ना इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी. सो वी थॉट लाइक इनिशियली ठीक है यार, कर लो, मतलब अगर बाद में अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 24 आवर्स तो इट इज ओके. बट इनिशियली स्टार्टेड विद 2 आवर्स, देन 3 आवर्स, देन 4 आवर्स, 5 आवर्स. लोड शेडिंग यार प्रमोट हो रहा था आंखों के सामने. थोड़े दिन में तो सीईओ बन जाता कलवा का. लाइक लिटरली इट वाज सो बैड. सो इट वाज ग्रेट, मतलब वो टाइम पे लाइफ इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड कलवा. कलवा का बेस्ट फीचर क्या है पता है? लाइक लोग बोलते हैं वहां पे जो बेस्ट फीचर है, इट हैज अ ह्यूज सुपरमार्केट. दे कॉल इट, द नेम इज अमेजिंग, इट्स कलवा सुपरमार्केट. Like what a different name, brilliant. Kalwa supermarket, वो market is a unique thing in Kalwa. Like वहाँ पे receptionist type की औरत बैठती है, उसका job ये है कि लोगों को बोलना कि तुम थाने जाके खरीदो चीज़ें. Like तुम कुछ भी लेने जाओ वहाँ पे. यार मुझे ना वो नमक लेना, क्या थाने जाओ, थाने जाओ. थाने जाने के लिए ना वहाँ पे एक bridge है, bridge. तो एकदम आइटम केस है. लाइक ब्रिज होता है ना वो, जो टेक्निकली इट इज अ ब्रिज व्हिच, मतलब होता है ना जो गांव को शहर से कनेक्ट करता है. इट इज लिटरली, मतलब गवर्नमेंट ब्रिज ना कलवा का लाइफ एंड सोल, इट इज जान ऑफ कलवा. लाइक वो ब्रिज टूट गया ना किसी दिन, लाइक कलवा का कलवा एक्सटिंक्ट हो जाएगा. मतलब संपर्क ही टूट जाएगा कलवा का, देयर वुड बी नथिंग लेफ्ट. इट वॉज क्रेजी. और लाइट तो इतनी जाती थी बचपन में यार कि उसके कलवा के जनरल स्टोर में भी ना कोल्ड ड्रिंक नहीं होती है. देयर इज नो सच कंसेप्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, होती सिर्फ ड्रिंक है. देयर इज दिस ड्रिंक, अ टाइम देख लो, लोड शेडिंग है तो इट इज आइदर हॉट और इट इज कोल्ड. इट इज लाइक दैट, इट वॉज क्रेजी. लाइक मेरे को तो अभी लगता है कि कलवा के लोग जो थाने में शिफ्ट हो गए ना, आई थिंक वो ऐसे ही अमीर बने कि लाइट बिल तो भरना ही नहीं पड़ता था. लाइट बिल के पैसे बचा बचा के घर खरीद लिया यार.
गोरेगांव में जॉब लगी तो मैं कुछ समझ नहीं पाया, लाइक जाना पड़ेगा अभी, कुछ कर नहीं सकते. सो द जर्नी फ्रॉम गोरेगांव, फ्रॉम कलवा टू गोरेगांव वाज अमेजिंग. लाइक इट वाज सैड ऑन माय पार्ट टू एक्सपेक्ट अ सॉफ्टवेयर कंपनी टू ओपन अप इन कलवा. लाइक मतलब मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं करता मेरा जिंदगी कलवा में जाएगा. लाइक जॉब भी कलवा में मिलेगा ऐसा, जॉब के लिए वहां पे एक ही जगह है मेरे लिए, कलवा सुपरमार्केट. एंड द रिसेप्शनिस्ट इज माइंड ब्लोइंग, उसको मैं नहीं ओवरटेक कर सकता. सो द थिंग इज जॉब लगी गोरेगांव में एंड इट वाज ऑल ऑन माय पार्ट टू एक्सपेक्ट अ कंपनी टू ओपन अप इन कलवा, लाइक सॉफ्टवेयर कंपनी. कलवा में खोलेंगे कहां पे भाई, कहां पे खोलेंगे? ब्रिज के नीचे. ब्रिज के नीचे हम खोलेंगे, अंडर ब्रिज सॉफ्टवेयर कंपनी. तो मतलब सीन कैसा होगा कि ब्रिज पे स्टॉप होगा बस का, तो स्टॉप पे उतरो और बंजी जंप करके जाओ कंपनी. बहुत एडवेंचरस हो जाएगा यार, मतलब ऐसा जॉब नहीं चाहिए. ठीक है, गोरेगांव पे जॉब लगा. ट्रैवलिंग फ्रॉम कलवा टू गोरेगांव इन अ ट्रेन वाज अभी के लिए आई से अमेजिंग. अमेजिंग लाइक मैंने इतने लोगों के पसीने झेले हैं यार ट्रेन में. लिटरली खून पसीने की सैलरी मिलती थी मुझे, बाकी तो काम चलते रहता था. लाइक इट वाज लिटरली, मेरे को ऐसा लगता था मुझे कंपनी पैसे मेरे ट्रैवलिंग के लिए दे रही है. भाई काम तो चलेगा, तू ट्रैवल कर रहा है, यही तेरा अचीवमेंट है. एंड क्रेजी पीपल कम इन द ट्रेन मैन, क्रेजी पीपल. लाइक देयर इज सो मच रश. लाइक मैं कौस्तुब से कौस्तुब डॉट जिप बन गया. आज कटरीना कैफ लग रहा है, मजा आ गया भाई बहुत. एंड देन देयर इज वन कैरेक्टर इज लाइक, अबे तेरा पसीना लग रहा है. माफ कर दे भाई, मेरे पसीने को ना पता नहीं है कहाँ जाने का पसीना है, कैसे पता होगा उसको बेचारे को. जीपीएस डाल के थोड़ी ना जाता है इसको, मैं डेस्टिनेशन डाल तो बगल वाला आदमी तो थोड़ी जाता है. इट वाज क्रेजी. लाइक वन और टू टाइम्स इट इज ओके, आई वाज लाइक ठीक है, बट देन थिंग्स पाइल अप ऑफिस में. लाइक आई वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, सो स्टार्टिंग में इश्यूज काफी. लाइक सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्क कल्चर इज लाइक कि वी हैव टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स. तो ये सब में सबसे ज्यादा वरीड थी मेरी दादी, बहुत वरीड थी. उसको मेरे एबिलिटीज में पहले से नहीं शक कि ना ये कुछ उखाड़ने वाला जिंदगी में है नहीं. तो दादियों का वही होता है यार, कुछ नहीं हो रहा तेरे से, चुप बैठ तू. तो जब मैं लेट आने लग गया ना, तो उसको शक हो गया. वो अगरबत्ती लेके 7 बजे के बाद जाती थी भगवान के पास, आजा भाई घर पे आजा, ठीक से आजा. इट वॉज लाइक उनको दादी का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि 7 बजे बंदा घर पे आ जाए वापस, बस मेरे लिए काफी है उतना. और सॉफ्टवेयर कंपनीज में ऐसा सीन था कि यार 7 बजे तो मेरा ब्रेक होता था यार, चाय ब्रेक होता था. और उन कंपनीज में तुम अगर 7 बजे निकलो ना, तो पब्लिक इज लाइक जा रहे काम नहीं है लगता है. तो भाई काम है बट 7 बजे है यार. तो सबसे पहले थी मेरी दादी, में जब भी रात को 10:30 बजे घर आता था ना, शी वाज लाइक क्या हो रहा है बेटा, तुझे जॉब नहीं जम रहा, तुझे काम नहीं समझ में आ रहा. सी द प्रॉब्लम वाज लाइक माय दादी वाज यूज्ड टू माय मोमेंट दैट वर्किंग इन अ गवर्नमेंट कंपनी जस्ट गोइंग टू द ऑफिस लाइक एंड कमिंग बैक. तो उसको लगता था कि जिंदगी में सब ऑफिस में वही होता है, पप्पा करके आ जाओ. बट सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है. इट वाज लाइक क्रेजी वर्किंग एज एंड शी वाज लाइक क्या हुआ बेटा, छोड़ दे जॉब, ये छोड़ दे बेटा, बर्तन घस ले, बाहर कुछ कर ले, साड़ी पहन के नाच ले सड़क पे, हम 4 पैसे आएंगे घर पे, छोड़ दे हम रह लेंगे. It was that crazy. So traveling in trains, coming back to traveling in trains was a topic. Weirdest characters, like one or two days, like one or two months, you carry on, carry on, carry on, and then you get irritated because things keep piling up, and then you are like, मैं तो नाना पाटेकर बन गया ट्रेन में. Like the banda next to me is like, पसीना आ रहा है यार तेरा, hey इधर आ. इधर आ. ये
वाले ने कुछ नहीं किया तो तू कौन होता है पसीना बता। इजी ब्रो ठीक है, इतना एक्टिवेट क्यों होता है? पहले हसीना ढूंढ लो फिर पसीना की बात। थैंक यू गाइस, थैंक यू।